तो सेठ जी, क्या नाम है आपके गांव का? बवाखाना। घबराइए नहीं, जो बात हो वो सत्य सत्य बता दीजिए। हाँ, गवाह का नाम सत्यपाल है। चपरासी, गवाह सत्यपाल को आवाज दो। गवाह सत्यपाल हाजिर हो। सत्यपाल का प्रवेश। गीता को साक्षी मान के कहिए, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। अरे भाई साहब, मेरा तो नाम ही है सत्यपाल, झूठ हमने जिंदगी भर नहीं बोला। तो आप ही हैं सत्यपाल? यस सर, माय नेम इज सत्यपाल। आप अंग्रेजी कहां तक पढ़े? अंग्रेजी हमने EIR में मुगल राजा तक पढ़ी, लेकिन जब स्वराज हो गया तो कांग्रेस सरकार ने रेल का नाम बदलकर NER कर दिया, तो हमने भी अंग्रेजी को उठाकर ताक पर रख दिया। देखिए, यह कोर्ट है, फिजूल की बातें यहाँ मत करिए। जो सवाल मैं पूछता हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दीजिए। आप कहें उसी भाषा में गवाही दे सकता हूँ। हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, तेलुगु, चीनी, लैटिन, मराठी, 12 भाषाएं बोल सकता हूँ। जाओ मर्जी, बोल बोल सकता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर, स्कूल वाले मत बोलो, वकील जो बात पूछे उसका सही जवाब दो। बहुत अच्छा हूँ। मुझे आपके पिता का नाम? गवाही मैं दे रहा हूँ या मेरा पिता? खैर बताता हूँ, हमारा नाम सत्यपाल, बाप का नाम हरीश, बाबा का नाम युधिष्ठिर। बस बस, जरूरत से ज्यादा मत बोलिए। क्या काम करते हैं आप? काम क्रोध लोभ मोह, इनसे अपने नाम दूर ही रहते हैं। सत्य कहते हैं, सत्य सुनते हैं, सत्य की गंगा में दिन रात बैठे, इसीलिए लोग हमें सत्यपाल कहते हैं। अरे भाई, तुम गवाही दे रहे हो या कविता पढ़ रहे हो? यह पूछा जा रहा है कि तुम कार्य क्या करते हो। का सुबह उठकर कैंची की 3 सिगरेट पीता हूँ, फिर 4 कप चाय बनाता हूँ, उसे पीकर लेटने जाता हूँ, स्नान करता हूँ, गीता का पाठ करता हूँ, रोटी खाता हूँ, तो कचरे जाता हूँ। अरे ये नहीं पूछते हम, हमारा मतलब आप धंधा क्या करते? धंधे तो सेठ शह से सब चौपट करते, अब वो धंधे ही कहाँ वकील साहब। फिर भी आपकी रोजी रोटी का कोई जरिया तो होगा नहीं? देखिए हुजूर, सवाल मैंने आप समान दे दिया है, फिर भी वही सवाल पार पार दोहराकर कोर्ट का वक्त जाहिर किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन ओवरूल, कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। हाँ तो मिस्टर सत्यपाल, आप एक बार जेल भी जा चुके हैं। मैं एक बार जेल जा चुका हूँ तो क्या? गांधी जी 9 बार जेल गए, अरे नेहरू जी तो 11 बार जेल गए, पटेल साहब तो 15 बार जेल गए। जेल जाना तो देशभक्ति का चिन्ह है, आपका आइडिया हमसे भिन्न है। तो किस जून में जेल गए थे आप? जून में ही नहीं, सन 1942 की जुलाई में। और गए इसलिए थे कि स्वराज होने के बाद हम भी किसी कुर्सी पर फिर बैठ जाएंगे, लेकिन इस तकदीर का क्या नहीं था, वहीं के वहीं रह गए और भाग्य के नाले में गए। देखिए सरकार, ये महाशय झूठी गवाही देने के सिलसिले में 3 महीने की सजा काट चुके हैं, पर मंजूर नहीं करते। मेरे सवालों को बातों ही बातों में उड़ा रहे हैं। आपके पास कोई सबूत है इस बात का? अगर है तो कोर्ट में, इस कोर्ट में उसकी नकल पेश कर सकते हैं। राइट, आगे चलिए। हाँ तो मिस्टर सत्यपाल, आप ये बता सकते हैं कि खाऊलाल के पिता खाऊलाल ने जब से ठंडा मन से पैसे लिए थे, उस वक्त टाइम क्या हो रहा था? टाइम इज मनी, टाइम इज रुपया है, और रुपया ही टाइम है, इसीलिए हमने भी अपना ध्यान रुपयों की ओर लगा रखा था। और दूसरा कारण यह था कि हमारी रिस्ट वॉच उस दिन गई थी घड़ी 7 के बाद हमने, और आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। ऐसी हालत में कौन
दिस इज राइट। तो मिस्टर सत्यपाल, अब यह तो आपको मालूम ही होगा कि जब भावलाल जी ने सेठ झंडामल से पैसे लिए थे उस दिन तारीख क्या थी, यानी किस दिन पैसे लिए थे? जिस दिन वही खाते में लिखे गए थे। अरे यही तो मैं पूछता हूँ, वही खाते में कौन सी तारीख को लिखे गए? जिस दिन लिए गए उस दिन लिखे गए। तो तारीख आपको मालूम नहीं है? मालूम क्यों नहीं, तो दिखाइए। देखिए देखिए ना, यह लिखी है, देखिए, मार्च सुधी आत्मा सोमवार। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि खावलाल जी ने जब कर्जा लिया था तब उनकी उम्र कितनी थी? बाल सफेद थे या काले? उम्र का बालों से कोई कनेक्शन नहीं वकील साहब। कैसे नहीं है? अपने शहर में ही देख लीजिए, डॉक्टर शर्मा 12 वर्ष की उम्र में ही उनके बाल सफेद हो गए, और लोहिया जी तो गर्भ से ही सफेद बालों में पैदा हुए, और काका आदर्शी के बाद तो 80 वर्ष की उम्र में भी काले हैं, और मेरे देख लीजिए अभी दो ही सफेद हुए हैं। देखिए सरकार, गवाह हर सवाल का जवाब गोल गोल दे रहा है। हुजूर, चांद गोल, सूरज गोल या दुनिया गोल, वकील साहब के सवाल गोल तो मेरा जवाब भी गोल। देखो मिस्टर सत्यपाल, वकील साहब यह पूछ रहे हैं कि खावला की एज क्या थी। किसी की सही उम्र का पता या तो उसकी माता बता सकती है या म्युनिसिपैलिटी या पराची रजिस्टर। ठीक है, पर आदमी की बॉडी देखकर उसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है? बॉडी देखकर हरगिज नहीं। अभी कुछ ही दिनों पहले जब सितारा सेठ पर नाचने के लिए आई तो 16 वर्ष की मालूम पड़ रही, लेकिन असलियत उसकी उम्र मालूम है आपको कितनी थी? मेरे चाची के बराबर, यानी और 50। ऑर्डर ऑर्डर, सितारा की आपकी चाची की उम्र नहीं पूछी जा रही है, खावलाल की उम्र बताइए। अच्छा छोड़िए, यह बतलाइए कि जब ये झाऊलाल जी कपड़े कैसे पहनते? हमारे मित्र झाऊलाल के अवसरवादी जनसंघ की मीटिंग में जाते तो केसरिया टोपी और लगाकर नेकर बनकर जाते, समाजवादी पार्टी के नेता से मिले जाते तो लाल टोपी उनके